यह क्लास नंबर 10 क्लास 10 है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 हम आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट, जो है ट्रिग्नो। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें कुछ एक दे रखा, जैसे हम बोलते हैं साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2। तो जब हमें साइन थीटा बराबर रूट 3/2 दे रखा है, तो हमें अदर पांच और निकालने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 6, जिसमें से हमें एक दे रखा है और जिसका नाम है साइन थीटा। अब बचे पांच, वो पांच हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। कुछ इस प्रकार हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जिसके हम बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें साइन थीटा दे रखा है, तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, या उनका जैसे कोई वैल्यू होती है, जिसे हम बोलते हैं पी बी बी एंड एच एच बी। अब यहाँ पर ये पी बी और एच, इन का नाम क्या है, इनका मतलब क्या है? यहाँ पर पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ऊपर आएगा, साइन के बाद आता है कॉस, एंड कॉस के बाद आता है टैन। साइन का उल्टा सभी बच्चे जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉस एफ थीटा होता है। कॉस का उल्टा होता है सेफ थीटा, एंड कॉल्ट का उल्टा होता है टैन का उल्टा, और सॉरी कॉट थीटा। अब हमें साइन थीटा दे रखा है, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी? पी अपॉन एच। ये क्या मतलब कि ऊपर वाला जो ये है ये हो गया पी, और ये वाला जो है ये हो गया हमारा एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। वैसे ही ट्रिपलेट होती है ये, लेकिन फिर भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिरकार जब हमें पी और एच दे रखे हैं तो बी क्या होगी। हम मानते हैं कि 90 डिग्री पे जो हमारा कोण है, जो एंगल है, वो है हमारा बी। इसको मानते हैं ए बी और सी। लेट मान लिया, इसमें दे रखा है कि पी जो है मतलब परपेंडिकुलर ये वाला होता है, हाइपोटेन्यूस ये होता है, और बेस ये होता है। सभी बच्चे जानते हैं पाइथागोरस फॉर्म जो थ्योरम जो होती है, वो होती है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जो ये हाइपोटेन्यूस जो है, ये इन दोनों भुजाओं के बराबर होती है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर हो गया। अब जैसे कि हमें इसमें वैल्यू दे रखी है, इसमें वैल्यू दे रखी है हमें पी, परपेंडिकुलर है हमारे रूट 3, हाइपोटेन्यूस है हमारा 2, एंड बेस है यहाँ पर हमारा जो हमें निकालना है। तो हमें हाइपोटेन्यूस के अंदर देखा है 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी दे रखा है, पी दे रखा है रूट थ्री का स्क्वायर प्लस बी हमें निकालना है, तो बी स्क्वायर। या तो कोई दिक्कत है? उसके बाद 2 की पावर जब हम 2 करते हैं तो ये होता है 4, रूट से स्क्वायर कट देगा, ये बचेगा सिर्फ 3 और प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पॉजिटिव में इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा,
इसी तरह बी जो है जब रूट चढ़ाएंगे इधर तो 4-3 कितना हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा रूट वन की वैल्यू 1। रूट वन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो बेस कितना आ गया हमारा 1। अब बाकी की हमारी आइडेंटिफिकेशन जो भी है, जो रेशियो सब निकल जाएंगे, साइन के बाद कॉस के बाद टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा, अब यहाँ से हम एक बार इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं किसकी कहाँ पर होती है कहाँ पर नहीं। जैसे कि हमने पहले लिख चुके हैं पी बी पी एच एच बी, तो मतलब कॉस जो है कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होगा हमारा उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा हमारा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से सर की वैल्यू पुटिंग कर देंगे, यहाँ पर बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना होता है 1/2 आंसर, टेन थीटा कितना है, टेन क्या है हमारा पी, परपेंडिकुलर कितना है हमारा √3, और बेस कितना है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। अब बात आती है कॉट की, कॉट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब कि बेस कितना है 1, ये होता है √3, सेक थीटा हो जाएगा सेक कितना, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2, बेस कितना है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 2, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2 एंड परपेंडिकुलर कितना है √3। तो ये सभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर सभी को वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी क्वेश्चंस आपका है जो ना हो रहा हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।